स्वीकार करो या माफ करो और मजे से जियो। चलो इसके बारे में आज बातचीत करते हैं। मेरा नाम है डॉक्टर दीपक केळकर। मैं मनोविकार, सेक्स रोग, सम्मोहन तथा व्यसन मुक्ति तज्ञ हूँ। महाराष्ट्र में अकोला में प्रैक्टिस करता हूँ। एक 35 साल की लेडी मेरे पास में आई, पूरे बदन में दर्द, रात में सोने के समय रेस्टलेस लेग सिंड्रोम, मतलब सोती है तब ऐसा पैर इधर से उधर करना पड़ता, उधर से इधर करना पड़ता, या पैर बांध के रखना पड़ता, या टाइट कुछ तभी कपड़ा बांधना पड़ता, और बहुत रात तक नींद नहीं आना फिर उसकी वजह से, रेस्टलेस लेग सिंड्रोम बोलते हैं उसको, तो वो उसको हुआ है। खाने में भूख अच्छी लगती नहीं है, खाने की इच्छा नहीं होती, सेक्स में मज़ा नहीं है, हस्बैंड के साथ में जो कॉन्टैक्ट उसका आता है तो बस ऐसे एक मैकेनिकली, बच्चा एक है 3 साल का, उसके भी साथ में मज़ा नहीं आ रहा है, और लाइफ में ऐसा ओवरऑल मज़ा नहीं है। ये उसके हस्बैंड ने उसको लाया कि देखो इसको क्या हो गया, तपासो, डिप्रेशन है, ऐसा वैसा, मतलब ठीक है देखते हैं। फिर मैंने जब उसको एक मेरे पास का मैप दिया भरने के लिए, हमारे पास में एक माइंड एनालिसिस प्रोफार्मा है, वो उनको मैंने भरने को दिया। मैंने भाई ये सब उसमें कम करीब करीब 250 सवाल है, तो ये सवालों के जवाब आप लिख के दो, फिर मैं आपको अच्छी तरह से और देखता हूँ। फिर वो मैप जो टेस्ट है वो लेकर गई, करीब करीब आधे पौन घंटे के बाद में वो टेस्ट लेकर मेरे पास में आया, वो मैंने देखा पूरा। फिर मुझे उसके से लगा कुछ तो भी गड़बड़ चल रही है अंदर। मैंने हस्बैंड को बाहर बैठने के लिए बोला, मैंने आप बाहर बैठिए जरा, मैं बातचीत करता हूँ इनसे। मैंने बोला भाई असली बात क्या है, क्या खुन्नस किसके प्रति आपके मन में है, क्या गुस्सा है? मुझे तो ऐसा लग रहा है कि कुछ तो गुस्सा पकड़ के आप बैठी है, कुछ खुन्नस है, क्या हो क्या रहा है? नहीं, बोले कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं है। फिर मैंने बोला नहीं आपको तो बताना ही पड़ेगा क्या है, तो ठीक है, बोले मैं आपको ही बताती हूँ। और उसने बताना चालू किया स्टोरी कि करोगे 10 साल पहले, मतलब 25 साल की उम्र में वो एक जगह काम कर रही थी, वहाँ एक दूसरा लड़का भी काम कर रहा था एक ऑफिस में, दोनों का प्यार हो गया। मगर वो लड़का जब 25 साल की थी, वो लड़का करीब करीब मतलब 7 साल उससे बड़ा था, दोनों का प्यार हो गया, और 6-8 महीने वो लड़का वहाँ था, और बाद में वो दूसरे स्टेट का था, वो चले गया छोड़ के, मगर इनका कांटेक्ट होते रहता था। जब वो 6-8 महीने वहाँ था तभी भी उनके फिजिकली कांटेक्ट में आए थे, और वो बाद में निकलने आने के बाद में उसने तब बोला था कि अपन शादी करने वाले हैं, उसको उसने प्रॉमिस किया था, फिर बाद में भी कॉन्टैक्ट में थे। एक दिन ऐसा हो गया कि उसने बोल दिया कि अभी मैं शादी वहाँ कर रहा हूँ, क्योंकि मेरे घर वाले बोल रहे हैं कि नहीं दूसरे प्रांत की लड़की के साथ में शादी नहीं करना, और फिर उसने उस वहाँ शादी कर ली। उसको बहुत धक्का बैठ गया, वहाँ से वो सवर गई, और फिर बाद में इसने भी इधर शादी कर ली। अब ये घटना को हो गया 10 साल करीब करीब कि जो लड़के ने उसको डिच किया था, मगर दिमाग में वही है, इसने शादी भी किया, बच्चा भी हो गया, तभी वहाँ खुश नहीं थी, उसका दिमाग वहीं चल रहा था कि उसके साथ में अगर मेरी शादी होती तो क्या है ना, उसने ऐसा मुझे मेरे साथ में क्यों किया। कभी कभी बहुत उसको उसके प्रति गुस्सा आना, एक रिवेंजफुल एटीट्यूड, बदला लेने की भावना, तो गुस्सा और बदला लेने की भावना जो थी वो थी। मैंने बोला देखो आप इतना उसके बारे में गुस्सा पकड़ के बैठी हुई है, इतना खुन्नस है, इतना रिवेंजफुल एटीट्यूड है कि नहीं मैं बदला लूंगी, तो आप तो प्यार में अभी भी नहीं? बोले बिल्कुल प्यार नहीं है, मैं तो अभी इसलिए कॉन्टैक्ट में हूँ कि कॉन्टैक्ट में रहकर एक दिन तो मैं उसका बदला तो लूंगी लूंगी। मतलब भाई 10 साल हो गए आपने लिया नहीं बदला, अभी क्या लेने वाली है? मगर उसका यही था कि नहीं मुझे, मेरे ऊपर अन्याय हो गया है और उसने मुझे डिच किया हुआ है अभी तो, और फिर उसके वजह से उसको बहुत दुख लगता था, फिर ये डिप्रेशन के सब लक्षण आए थे। फिर मैंने बोला भाई अपन बातचीत करते हैं, काउंसिलिंग करेंगे, है ना, साइकोथेरेपी मैं आपको दूंगा। फिर उसको मैंने और सीटिंग के लिए बुलाया। बाद में चर्चा में उसको मैंने यही बताया कि भाई देखो आप 10 साल से खुन्नस पकड़ के बैठी हुई है, आप तो सोच रही है कि मैं जहर पीऊँगी और वो मरना चाहिए सामने वाला, आप जहर पी रही रोज के रोज, 10 साल से आपको मज़ा नहीं है जीने में, आप खाना ठीक से खाती नहीं है, अभी शादी हुई, आपको बच्चा भी है छोटा सा, उनके प्रति भी आपको कोई प्यार नहीं है, आपका सब दिमाग उधर चल रहा है, अभी भी उसके साथ में चुपके बातें करते रहते, व्हाट्सएप चैटिंग करते रहती है, सोचते कि नहीं मैं रिवेंज लूंगी, मतलब क्या लगा है? अभी आप कितने दिन तक ये पकड़ के बैठेंगे? क्या आप उसको ये जो हो गया है क्या ये परिस्थिति का स्वीकार कर सकती है कि जो हो गया वो हो गया, अभी क्या कर सकते हैं? और दूसरा, क्या आप वो व्यक्ति को माफ कर सकते हैं? बोले बिल्कुल माफ नहीं करूंगी, बदला तो लूंगी लूंगी, मतलब फिर सफर करो। अभी आपके पास में चॉइस है, एक तो उसको माफ कर दो, खुद को भी माफ कर दो, क्योंकि उसको ऐसा एक दिमाग में चल रहा था कि उसने मुझे चीट किया, मैं कैसी बेवकूफ बन गई, फिर मैं एक लूजर हूं, मैं एक बेचारी हूं,
तो ये जो अपने प्रति अपने दिमाग में ये आपने बिठा के रखा हुआ है, तो वो आपको सता रहा है। वो तो 10 साल पहले घटना हुई, वो तो अतीत में हुई, अभी दिमाग में क्या चल रहा है कि उसने मुझे डिश किया, उसने मुझे बेवकूफ़ बनाया, मैं कैसी बेवकूफ़ बन गई। मतलब इस तरह की भावना जो है वो जो अपने बारे में भी चल रहा है वो आपको तकलीफ दे रही कि मैं ऐसी कैसी हूँ। क्या खुद को भी आप माफ़ कर सकती है, उसको भी माफ़ कर सकती है, तो आपका जीवन अच्छा होगा। चॉइस आपका है। बोले ठीक है मैं इसके ऊपर सोचती हूँ। फिर और एक सेशन वो आई, बोले मुझे पता लग गया कि मैं फजूल मेरे खुद को मैं पनिश कर रहा हूँ, खुद को पनिश कर रही हूँ मैं, मैंने बिल्कुल पूरा छोड़ दिया है, उसको मैंने माफ़ कर दिया। उसको मैंने फ़ोन करके बताया कि मैंने अभी तक इतने दिन तेरे बारे में गुस्सा पकड़ के मैं बैठी हुई थी, मैं तेरे को माफ़ कर रहा हूँ, तूने मुझे जो भी मेरे साथ में किया मैं माफ़ कर रही हूँ तेरे को, और मैं खुद को भी माफ़ कर रही हूँ। और जब वो उसने उसको फर्गीव किया और बहुत रिलैक्स हो गई, उसका डिप्रेशन ख़त्म हो गया, आज दोनों भी अच्छा जीवन जी रहे हैं। तो ये स्वीकार करना और माफ़ करना, लोगों को फर्गीव करना, खुद को भी और लोगों को भी, ये प्यार भरा जीवन जीने के लिए, मज़ा करने के लिए, लाइफ में सुख पाने के लिए बहुत ज़रूरी है। ये वीडियो आपको अच्छा लगा तो ज़रूर लोगों को शेयर करो, सब्सक्राइब करो, लाइक करो। थैंक यू वेरी मच।